राइट टू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट होगा फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, जो क्या फैट्स है वो आपके एनर्जी गिविंग फूड है, तो नहीं, तो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट के साथ जो आपके फैट है वो भी क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। सेकेंड, रफेज इज़ नॉट अ डाइट्री फाइबर। जो रफेज है वो क्या डाइट्री फाइबर नहीं है, नहीं, रफेज भी एक डाइट्री फाइबर है, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। ठीक है, थर्ड है वाइटामिन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। जो वाइटामिन्स है वो क्या बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, तो फॉल्स है, क्योंकि वाइटामिन्स होते हैं प्रोडक्टिव फूड। फोर्थ, द बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर क्या सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सही मात्रा में, मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। हाँ, फिफ्थ, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। जो एक इंसान ओबेसिटी, मतलब एक कोई पर्सन है उसको वो ज़्यादा मोटा है, तो क्या उस इंसान को हार्ट अटैक जैसा प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, हो सकती है। टू, डी, मैच द टू कॉलम। हमें जो टू कॉलम देगा उनको मैच करना है, तो कॉलम ए और कॉलम बी है, तो कॉलम ए में फर्स्ट फूड। तो फूड क्या होता है, आपका एक बेसिक नीड होती है, मतलब एक बेसिक ज़रूरत होती है फूड की, हमें सब फूड को हमें सबको फूड की ज़रूरत होती है, तो ये क्या है, बेसिक नीड है। सेकंड, शुगर। जो शुगर क्या है, एक इंस्टेंट एनर्जी है। इंस्टेंट एनर्जी का क्या मतलब है, मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इन एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, और इसके टू टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। इसलिए जो शुगर क्या है वो इंस्टेंट एनर्जी है, शुगर से हम जल्दी एनर्जी ले सकते हैं। थर्ड, मिल्क। मिल्क क्या है, एनिमल फैट। जो एनिमल फैट से क्या मतलब, क्योंकि हम मिल्क को किससे ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका, प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। फिफ्थ, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होगा, इनऑर्गेनिक साल्ट होगा। फिर इसमें लास्ट एक्सरसाइज है आपकी क्या, ई, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग दिए हैं उनसे एक एक वर्ड बताने हैं। अब फर्स्ट है कौन सा, डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो उसका आंसर है हेमरेज। सेकंड है, डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, रिकेट्स। रिकेट्स है फॉस्फोरस की कमी की वजह से हो रही है, और विटामिन जो फॉस्फोरस किसमें मतलब विटामिन डी में आता है। ठीक है, थर्ड, डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम की कमी की वजह से कौन सी डिजीज का हो रही है, तो सोडियम की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन, वीक, हमारी बॉडी वीकनेस हो जाती है। पोटेशियम की कमी से क्या, पैरालिसिस भी हो सकते हैं। विटामिन डिस्ट्रॉयड बाय हीट, हीट से, गर्मी से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता, तो उसका आंसर है विटामिन सी। फिफ्थ है, डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी टू। विटामिन बी टू जिसको हम राइबोफ्लेविन नाम से भी जान सकते हैं या बोल सकते हैं, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो होगी स्लो ग्रोथ एंड सोर आइज, ग्रोथ धीरे होगी, सोर आइज मतलब आँखों में हल्का हल्का पेन सा रहेगा। स्टूडेंट्स, टूडेज चैप्टर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फूड इज कम्प्लीटली विद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एंड द टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।